हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेंट के कुछ टिप्स। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट जो टिप है वो है हमारा किसी भी स्क्रीन शॉट को पिक्चर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट कैसे लोगे, आप प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, उसको प्रेस कर देना, देन आपका यहाँ पे स्क्रीन शॉट जो है क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको विंडोज प्लस आर प्रेस कर देना है, देन आपको यहाँ पे लिखना है OSK, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा, इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट को क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर रख सकते हो। तो यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन कर लेना है अपना पेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप विंडोज़ प्लस आर करोगे, विंडोज़ प्लस आर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है MS पेंट विदाउट स्पेस, एंटर कर देना। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो पेंट जो है ओपन हो गया है। अभी क्लिप बोर्ड मेमोरी में डेटा जो रखा हुआ है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी करके। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करोगे, जो हमने स्क्रीन शॉट यहाँ पे लिया था वो स्क्रीन शॉट आ गया है। इसे आप यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लो, तो ये जो पिक्चर है इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी पिक्चर के अंदर। यहाँ पे आप कर सकते हो इसे सेव। तो देन आप यहाँ पे जैसे सेव करोगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की एक्सटेंशन दे रखी है। आप इसे JPG में कर सकते हो, GIF, बट ये GIF है नहीं, क्योंकि GIF होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, तो इंटरचेंज नहीं होने वाली पिक्चर नहीं है। देन आपका यहाँ पे दे रखा है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो आप किसी भी एक्सटेंशन के थ्रू इसे सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप नेम दोगे और देन आप जिस फोल्डर में इसको रखना चाहते हो उस फोल्डर पे क्लिक कर देना, सेव कर देना, आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो जाएगी। तो ये है हमारा फर्स्ट। के बाद नेक्स्ट जो हमारा टिप है ना, वो है हमारा सेकेंड टिप। तो यहाँ पे देखो हमें करना है क्या है, हमें टेक्स्ट के अंदर ना मल्टीपल कलर्स को फिल करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे सेकेंडरी कलर पे करना है क्लिक। जो भी आपको बैकग्राउंड फिल करना है वो चूज कर लेना है, कंट्रोल प्लस ए कर देना और देन आप डिलीट बटन का यूज कर लोगे कीबोर्ड से, तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना था तो हमें यहाँ पे पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे करना है क्लिक और देन यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक कर देना, टेक्स्ट आप लिख पाओगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टी है ना इसका कलर चेंज करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते थे, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है इरेजर का, इरेजर का यूज़ करना है। यहाँ पे इरेजर का यूज़ करने के बाद थोड़ा सा हम इरेजर का कर लेते हैं साइज इंक्रीज कंट्रोल प्लस के साथ, कंट्रोल माइनस से आप डिक्रीज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस से आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी कलर को चेंज कर देना है क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी येलो है और यहाँ पे आपका जो इरेजर कलर है वो भी क्या है, येलो है। तो यहाँ पे अभी हमको करना है इसको ब्लैक। तो ब्लैक करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक के साथ नहीं करना, हमें करना है माउस के राइट क्लिक के साथ। तो देखो जितना हमें करना है ना उतना यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपका ब्लैक हो चुका है। अब मेरे को यहाँ से करना है ब्लैक, तो आप यहाँ पे देखो ब्लैक हो चुका है। तो ये है हमारा सेकेंड टिप। यहाँ से आप देखो अपने अकॉर्डिंग जितना टेक्स्ट आपको कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो। अभी देखो ये चीज़ ना आप किसी भी शेप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाली शेप, ले लेते हैं चलो सर्कल। तो मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया है और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद इसका जो कलर है, देखो यहाँ पे आपका कलर दिख रहा है। अभी मेरे को इसको करना है यहाँ पे रेड कलर से चेंज। तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी कलर को क्या कर दिया, रेड कर दिया। और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है इरेजर चूज़ करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे इरेजर चूज़ कर लिया और यहाँ पे आप देखो रेड कलर जो है आ गया है। ये देखो अभी मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अभी ये वाला कलर, ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने कलर ले लिया, देन आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे। तो देखो राइट क्लिक करके करना है, डायरेक्टली आपको नहीं करना है, राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देना है इरेजर को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लैक करना है तो आप यहाँ से ब्लैक भी ले सकते हो, कस्टम कलर आपको मैंने बताई रखा है, यहाँ से आप कस्टम कलर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, जैसे आपको ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टिप है, इसमें हम देखेंगे कि हम कस्टम ब्रशेस कैसे बना सकते हैं पेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप या तो कोई छोटी सी इमेज PNG टाइप की ले लेना, उसका भी आप कस्टम ब्रश बना सकते हो, या फिर आप किसी ड्राइंग का भी कस्टम ब्रश बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बना ली थी, मैंने पेंसिल टूल का यूज़ किया है। पेंसिल टूल को आप कंट्रोल प्लस से इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कोई छोटी सी ऐसे ड्राइंग बना ली है, इसको मेरे को कस्टम ब्रश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेलेक्ट पे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को आपको कर लेना है ऑन। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कर लेना है सेलेक्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ ना इसे ड्रैग कर देना है। देखो ये आपका कस्टम ब्रश है, ये क्या है, कस्टम ब्रश है जो हमने यहाँ पे अभी ड्राइंग ड्रॉ करी थी ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो बार बार रिपीट हो रही है, बट ये आपको शिफ्ट के साथ करना है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करके, तभी आपका ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद जो है हमारा लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन एंड ओपेक सिलेक्शन। तो यहाँ पे ओपेक दे नहीं रखा है, बट बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होता है वो होता है ओपेक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। शेप ड्रॉ करने के बाद मेरे को इसमें एक कलर फिल कर देना है। तो ऐसे मैंने कलर फिल का यूज़ कर लिया, देन मैंने यहाँ से एक कलर चूज़ कर लेना है। ये मैंने कलर चूज़ कर लिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर जो है असाइन कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया है,
ठीक है, यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना हो तो। देखो कलर चेंज हो चुका है, बट अगर आप इसको अब सिलेक्ट करके उठाते हो ना यहाँ से, देखो मैंने इसे सिलेक्ट किया, अभी मैं यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑफ कर दिया है, ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको उठाया यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको उठा के रखोगे तो देखो ये जो सिलेक्शन है ये आपका क्या है, ओपेक सिलेक्शन है। भी आपको इसको कन्वर्ट करना है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में, तो यहाँ पे आप जाना ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को कर लेना ऑन। अब आप इसको उठा के रखोगे तो देखो ये पीछे वाला जो कलर है ना उसके साथ नहीं जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और ओपेक का यूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारा लास्ट टिप।